उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत पचोखर में सपा के पूर्व विधायक भाईलाल कोल के छोटे बेटे पंकज कुमार से जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे पिताजी कलपजरा क्रेशर प्लांट के पास महेंद्र पटेल की हत्या हुई, उसमें सही सलामत शामिल हुए। इसके बाद वापस घर आए और बोले कि हम दवा के लिए प्रयागराज जा रहे हैं, यही कहकर गए। नैनी अपने बेटी के यहाँ बैठे और चाय पिए और रात 8 बजे घर पर फ़ोन कर अपने छोटे बेटे पंकज से बात की, लेकिन 30 मिनट बाद मेरे पिताजी घर पर फ़ोन करके बताएं कि अचानक उनका सांस बढ़ गया और बेटी और दामाद लेकर एक निजी अस्पताल में गए तो उन्होंने कहा कि इनका लास्ट स्टेज चल रहा है। फिर उन्हें सरस्वती हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां ऑक्सीजन लगाया गया और इलाज के दौरान लगभग 9 बजे उनका निधन हो गया। शव को वापस घर पर लाया गया और उनके दरवाजे पर आसपास के गांव के लोग काफ़ी संख्या में एकत्रित हुए और कुछ नेता मंत्री जैसे कि लालगंज पूर्व ब्लॉक प्रमुख जय कुमार सिंह, वर्तमान ब्लॉक प्रमुख महेंद्र गिरी और बहुत बड़े दिग्गज लोग पहुंचकर परिवार को सांत्वना देते हुए शव को अंतिम संस्कार के लिए शिवपुर घाट प्रस्थान किया गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मिर्जापुर से भूप नारायण मौर्य की खास रिपोर्ट। भैया आपका क्या नाम है? पंकज कुमार। आप माननीय विधायक जी के जी सबसे छोटे लड़के हैं? छोटे लड़के हैं जी। अच्छा, तो बताइए भैया कि कैसे हुआ घटना? कल मतलब स्वस्थ थे, यही हाल ही में आप लोग भी थे, यहाँ पे मर्डर हुआ था जो। हाँ, बाउंड मोड में गए सीओ साहब, हम लोग सब लोग साथ ही में गए थे, पूरा मुआवना करा के लोगों को सताना दिया, फिर हम लोग घर पे आए, दोनों खाना खाए, उन्होंने कहा कि बेटा हम इलाहाबाद जाएंगे, आप घर पे रहो और घर का जो भी कार्यभार है तुम्हें संभालना है, सुबह सुबह उठ के तुम चले जाना, खेती का जो भी कार्यभार है देख के चले आना। 8 बजे फिर अच्छे से बात करते हैं कि बेटा घर शाम को 8 बजे। हाँ जी जी, 8 बजे बात करते हैं कि बेटा कल सुबह उठ जाओगे 6 बजे ना, लेट मत होना। बात हुई, आधे घंटे बाद जीजा फ़ोन करने लगे, सांस ऊपर नीचे हो रहा है उनका, बहुत दिक्कत। यहाँ से कहीं लेकर गए? हाँ, नैनी से हम लोग इलाहाबाद के लिए जी। मतलब यहाँ से फिर नैनी गए? नैनी गए थे, नैनी गए थे जी। नैनी कोई दिक्कत नहीं हुआ था। 8 बजे वहाँ पर बैठे, चाय पिए, चाय पीने के बाद बाथरूम फ्रेश होने के लिए गए, फिर सांस ऊपर नीचे अचानक से हुआ, फिर दीदी को बुलाए, दीदी और जीजा साथ में गए। नैनी में आपके दीदी के यहाँ गए थे जी? सरस्वती हॉस्पिटल में गए, कोई डॉक्टर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, उन्होंने कहा कि लास्ट स्टेज पे है, ऑक्सीजन लगाए, फिर उसके बाद एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गए तो फिर आप लोग घर लेकर जी। चलिए, फिर और कोई प्रक्रिया तो नहीं है अंतिम संस्कार की? पारी है बस अंतिम अंतिम संस्कार के लिए कहाँ ले जाएंगे सर? शिवपुर ले। शिवपुर जी। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।